हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 8 जुलाई 2022 के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला आप आ जाइए पेज नंबर फर्स्ट पे, जहाँ पे आपको ये पढ़ना है, बोरिस जॉनसन रिज़ाइन एज पीएम, पॉलिटिकल ड्रामा एंड इन ब्रिटेन। ठीक है, तो बोरिस जॉनसन जो हैं उन्होंने पीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया है ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ना है। दूसरा आप ये देख लीजिए, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इन बाली मीटिंग विथ वांग जयशंकर रेज एलएसी इशू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाली में मीटिंग हुई वांग ई के साथ, जयशंकर जी की, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनकी, और उन्होंने वहाँ पर एलएसी के इशू को रखा। एमिड टॉक इंडिया चाइना स्पार ओवर दलाई लामा बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पे दलाई लामा जी के बर्थडे के से भी रिलेटेड बात है, तो ये भी हमें पढ़ना है। तो दोनों ही न्यूज़ जो है वो आईआर के प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि पढ़ने हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको ये पढ़ना है, मानसून गेटिंग हॉटर देन समर स्टडी। तो मानसून जो है दिन ब दिन और ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, वेदर जो है और ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, ये भी पढ़ना है। इसमें एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द सीज़न आर 0.3 डिग्री सेल्सियस हाई देन द एवरेज सवर फिगर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, 0.3 डिग्री सेल्सियस हायर है एवरेज समर जो फिगर रहता था उससे। ठीक है, आगे देख लीजिए, आ जाइए आप पेज नंबर 8 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे, आपको यहाँ पे पढ़ना है केरला असेंबली। ठीक है, केरला असेंबली से रिलेटेड पढ़ना है। केरला असेंबली पासेज अ अनएनिमस रिजोल्यूशन ऑन ईएसजी। ठीक है, तो ईएसजी पे जो रिजोल्यूशन है उसकी बात की जा रही है। इट कॉल फॉर लेजिस्लेशन टू हेल्प ओवरकम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। ओके, ये भी आपको पढ़ना है। तो आज मैं आपको हेडलाइंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है और वो आप पढ़ लीजिएगा। और सॉरी, आज मैं आपको शॉर्ट नोट नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगी। ठीक है, पेज नंबर 10 पे आ जाइए आप। यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, जस्ट फाइन। ठीक है, ये वाला पढ़ना है। ओके, ये पढ़ना है आपको, जस्ट फाइन। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है, एंडिंग द यूक्रेन वॉर इन इम्परफेक्ट वर्ड। तो जो एंडिंग है, जो एंडिंग द यूक्रेन वॉर इन एन इम्परफेक्ट वर्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, यूक्रेन से रिलेटेड है, ये भी आईआर का मुद्दा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, अ कम्युनिटी एंड अ हेल्थ इशू ऑफ कंसर्न। ठीक है, कम्युनिटी एंड हेल्थ इशू कंसर्न से रिलेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड बताया जा रहा है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पेज नंबर 11 पे आ जाइए आप, मेकिंग सेंस ऑफ रूपी स्लम्प्स। ठीक है, तो ये पढ़ना है, रूपी से रिलेटेड है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 12 पे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आप आ गए। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए, इसमें आपको पढ़ा है द प्रपोजल फॉर एन इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म फॉर एक्सेसिंग वेहिकुलर सेफ्टी इन कोलिजन। वेहिकुलर सेफ्टी से रिलेटेड है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे है, देख लीजिए कि क्या बताया जा रहा है। ऑन जून 24 को यूनियन मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने अप्रूव किया है ड्राफ्ट, किस चीज़ का, जीएसआर, जनरल स्टेटवरी रूल को। ठीक है, नोटिफिकेशन सीकिंग कमेंट ऑन अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, भारत एन कैप, यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है जो ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, ये सब आप अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करिएगा। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, वो प्रोवाइड करता है रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रैश सेफ्टी, व्हीकल बैन ऑन सर्टेन कॉमन क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर। ठीक है,
तो ये चीज़ भी आपको मेंशन करनी है। भारत जो एनकैप जो ये बताया जा रहा है, ठीक है, इसमें है वुड असाइन व्हीकल बिटवीन 1 and 5 stars ऑन पैरामीटर सच एज जो है अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इस चीज़ को किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी समरी थी, मैंने ये आपको बता दिया। आगे आप आ जाइए पेज नंबर 14 पे आना है आपको। इसमें आपको ये पढ़ना है सेंटर टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। तो जो सेंटर है वो प्रमोट कर रही है ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन को, ठीक है। प्लान टू इंक्रीज कल्टीवेशन फ्रॉम 3,000 hectare टू 50,000 hectare इन अ 5 year, ठीक है। तो क्या प्लान किया गया है, प्लान किया गया है इंक्रीज करना कल्टीवेशन को 3,000 hectare से 50,000 hectare तक, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के प्रस्पेक्टिव से, ठीक है, और एग्रीकल्चर से प्रस्पेक्टिव से इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है और आपके ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पेज नंबर आप 16 पे आ जाइए। छत्तीसगढ़ गेट्स नॉड फॉर स्कूल प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो छत्तीसगढ़ को नॉड मिल चुकी है, जो स्कूल प्रोजेक्ट है उसको फंड किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। सेंटर गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर $300 million बोरोइंग ओवर 5 years, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देनी है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 18 पे, ठीक है। पेज नंबर 18 पे आप आ जाएंगे, उसमें पढ़ना है आरबीआई मेजर्स विल हेल्प इस पर ओवरसीज फंड इनफ्लो, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है अजय सेठ, ठीक है, तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ ने थर्सडे को बोला मेजर टेकन बाय आरबीआई, ठीक है, जो मेजर्स लिए गए आरबीआई के द्वारा वुड इंक्रीज इनफ्लो और ओवरसीज फंड एंड हेल्प स्ट्रेंथन टू रूपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो ये क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी इनफ्लो को जो ओवरसीज फंड है उसका, और हेल्प करेगी स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करने के लिए रुपीज को अगेंस्ट यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही था। तो अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस सही लगता हो, जो मैं आपको न्यूज़ बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको सच में लगता हो कि हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी मैं बताती हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का शॉर्ट नोट आप खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि अर्जेंट काम है मुझे, तो मैं आपको शॉर्ट नोट नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।